कल यानी गुरुवार को सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट आ गए। तकरीबन 13 लाख विद्यार्थियों ने सीबीएसई की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और इस बार भी लगातार पांचवें साल बेटियों ने बाजी मार ली। लेकिन इस बार की खास बात ये देखने को मिली कि पहले स्थान पर तो लड़कियों ने अपनी जीत हासिल की ही, दूसरे स्थान पर भी लड़कियां ही रहीं। जी हाँ, 12वीं का रिजल्ट आ गए हैं, लगातार पांचवें साल बेटियों ने बाजी मार ली है। गाजियाबाद की हंसिका शुक्ला और मुजफ्फरनगर की करिश्मा अरोड़ा ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। सीबीएसई चेयरमैन अनीता करवल ने बताया कि टॉप 3 में कुल 23 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो लड़कियां हैं। इनमें से एनसीआर की 5 बेटियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 498 अंक के साथ ऋषिकेश की गौरंगी चावला, बरेली की ऐश्वर्या और जिंद की भव्या संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही। यानी कि दूसरे स्थान पर भी लड़कियां और पहले स्थान पर भी लड़कियां ही रही, तीसरे स्थान पर लड़कों को जगह मिली। वहीं आपको बता दें कि जो टॉपर रही दो लड़कियां, हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा, करिश्मा अरोड़ा जो है वो डांस थेरेपिस्ट बनने की तमन्ना रखती हैं और 7 साल से दिल्ली में डांस सीख रही हैं, कथक और भरतनाट्यम ये सीख चुकी हैं। और वहीं हंसिका शुक्ला जो है वो गाजियाबाद की रहने वाली हैं, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल म्यूजिक का इन्हें बहुत शौक है और खेलों में भी रुचि है। वहीं हम मुबारकबाद देना चाहेंगे इन सभी स्टूडेंट्स को। लेकिन एक और खबर सामने आई है जो इस रिजल्ट से जुड़ी हुई है। हाल ही में एक और रिजल्ट आया है स्मृति ईरानी के बेटे का, जिनका नाम है जौहर। स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, ओके saying it out loud, यानी कि मैं जोर से कहना चाहूंगी, प्राउड ऑफ my सन जौहर। नॉट ओनली डिड ही केम बैक विद द ब्रॉन्ज मेडल फ्रॉम वर्ल्ड कॉम्बो चैंपियनशिप, ऑल्सो स्कोर्ड वेल इन 12th इन बोर्ड्स, बेस्ट ऑफ फोर। दोबारा सुनिए, बेस्ट ऑफ फोर 91%, स्पेशली याहू फोर 94% इन इकोनॉमिक्स। माफ करना, टुडे आई एम जस्ट क्लॉटिंग मॉम। मतलब कि स्मृति ईरानी जो बताना चाह रही हैं वो ये है कि उनके बेटे ने 4 सब्जेक्ट्स में 91% मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये नहीं बताया कि बाकी सब्जेक्ट्स में उनके जो साहबजादे हैं उनके कितने नंबर आए हैं। कहीं ना कहीं वो ये बात छिपा रही हैं। वो क्यों छुपा रही हैं ये तो वही जानती हैं, लेकिन ये बात हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।